दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। तुमने आज तक किसका दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दो बहुए हैं, बेटे पोते पोतियों से भरा घर है, पर मुझसे दो घड़ी बात करने वाला कोई नहीं है। नर्स और आया आती है, काम करके चली जाती है। मैं मसीह नहीं हूँ कोई, मुझसे सहानुभूति के शब्द नहीं बोलता। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी सबके साथ हंसू बोलूं। कहते कहते अनुराधा जी रो पड़ी। चुप हो जाओ, इन सब की जिम्मेवार तुम खुद हो। तुमने किसे अपने दिल के करीब आने दिया? याद है बेसारी बहुए गलती से बीमार पड़ जाती थी तो तुम कैसा बर्ताव करती थी? किसी को कुछ हुआ नहीं कि तेरे तानों की बरसात शुरू हो जाती थी। तुम ही बहुओं को कहने वाली थी ना कि तेरे मायके वालों ने बीमार बहुए थमा दी। जब आई थी तब सब कितनी अच्छी थी, पर शरीर तो सबका है, वह बीमार हो ही सकता है। तुमने आज तक किसका दर्द समझा जो आज उम्मीद कर रही हो कि तेरा दर्द कोई समझे? और तो और छोटी बहू के बेटे के जन्म के समय जब सीजेरियन की बात आई तब पैसे के लिए तुमने बहू की माँ की कितनी बेइज्जती कि बेसारी बच्चे को बिना देखे चली गई, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि वह इतने खर्च करने के लायक नहीं है। पति अशोक जी की बातें सुनकर अनुराधा जी बोली, सच कहते हैं ये मेरे कर्मों का ही फल है। अनुराधा जी की दो बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी करते थे, पर अनुराधा जी जानबूझकर गरीब परिवार से बहुएं लाई थी ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। इतने कठोर नियम बना रखे थे कि मानो घर ना होकर उन्हें बहुओं की थकान दिखती ही नहीं थी। बेटे की माँ होने का गुरूर सदैव उन पर हावी रहता। बहुओं के साथ साथ उनके मायके वालों को भी अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। बहुओं से जरा भी गलती हो जाए तो फिर शब्दों के ऐसे ताने मारती कि बेसारी बहुएं रो जाती। बेटे भी अनुशासनी जिंदगी से थक चुके थे, उन्हें माँ से ज्यादा मतलब नहीं था। अब जब उनका शरीर गिर गया तो उन्हें याद आया कि परिवार कैसा होता है। सारी जिंदगी नफा नुकसान की तराजू पर तोलते हुए जिंदगी गुजार दी। अब उन्हें दोनों बहुओं का दर्द समझ में, लेकिन अब नहीं होने। अशोक जी को कहा, मुझे बाहर ले चलिए, बसी जिंदगी मुझे हंसते हुए गुजारनी है। अशोक जी ने सहारा देकर बार बार हॉल में सभी बैठे थे, हंसकर आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही अनुराधा जी आई सभी चुप हो गए और काम का बहाना बनाकर जाने लगे। तभी अशोक जी बोले, रुक जाओ भाई, हमें भी तो अपनी पार्टी में शामिल करो। पर सभी शांत थे। अनुराधा जी ने अशोक जी को देखा। अशोक ने धीरे से कहा, थोड़ा समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने रिश्तों में बहुत सी गांठ लगाई है, खुलने में वक्त लगेगा। बहुए बेटे पोते पोते सभी दिल के अच्छे पर प्यार बांटो, तब तो प्यार पाओगी। चलो बीमार रहने पर ये समझ तो आया, रिश्तों में प्यार होना सही है, नफा नुकसान देखने पर रिश्ते नहीं चलते हैं।